हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी पर। जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम है। आज हम आपको एक और नॉलेज देने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज वैक्सीन, वायरस एंड इम्यूनिटी। ये जो तीनों वर्ड हैं लास्ट 2 इयर्स से गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं और आप लोग भी शायद पक गए होंगे इन तीनों के बारे में सुन सुन के। आज हम वो बात करेंगे जो आम लोगों को समझ में आए, जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से नहीं है। काफ़ी सारे लोगों ने न्यूज़ में काफ़ी कुछ सुना, लेकिन इतनी सारी इन चीज़ों में टेक्निकल टर्म्स हैं, ना हर कोई इसको गूगल पे सर्च कर पाता है और ना गूगल जो बताता है वो समझ में आता है। तो मैं बहुत ही जनरलाइज्ड वे में उन लोगों को ये समझाने की बात करूंगी जो आज भी वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं या उन्हें नहीं पता कि वैक्सीन में एक्चुअली होता क्या है, उस छोटी सी शीशी जो है उसमें आखिर भरा क्या है जो आपके अंदर लगा दिया जाता है। और किसी को तो बहुत बुखार आ रहा है, बहुत रिएक्शन हो रही है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं हो रहा। तो आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम वायरस के बारे में बात करते हैं। ये वायरस है क्या? आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सुना होगा कि ये है वो है। तो देखिए, जैसे इतने सारे लोग हम साथ में रह रहे हैं, हम हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, वायरस भी हैं, विषाणु। लेकिन ये ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ऐसा नहीं है कि ये वायरस आज पहली बार आया है, हजारों सालों से ये वायरस, बहुत तरह के वायरस हैं, विषाणु हैं जो हम पर अटैक करते आए हैं, लेकिन और आज भी कर रहे हैं। विषाणु, कीटाणु, जीवाणु, अभी आप ब्लैक फंगस के बारे में सुन रहे हैं। तो ये कोई नया नहीं है, ये हमेशा से था, लेकिन अब ये ज़्यादा प्रकाश में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिस्टम को या बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, मौतें हो रही हैं, है ना। तो ये क्या है? ये विषाणु, ये इतना छोटा है कि ये हमें दिखाई नहीं देता। आपको पता है 1960 तक, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, तब तक हम वायरस को देख भी नहीं पाए थे। तो तब तक क्या बीमारियाँ नहीं होती थी? होती थी। पोलियो है, स्मॉल पॉक्स जिसे आप चेचक कहते हैं, ये हज़ारों सालों से लोगों को होती आई हैं। तो इनके पीछे कारण क्या था? यही कोविड-19 है, ये भी विषाणु है जो हमारे श्वसन तंत्र को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है। और श्वसन तंत्र में है तो यदि हम खांसेंगे, छींकेंगे या जो भी हमारे सिक्रीशन, उत्सर्जन होते हैं नाक से और मुंह से, तो ये इस तरह से एनवायरनमेंट में फैल जाता है। दोस्तों, आपने चार्ल्स डार्विन का एक कथन सुना होगा, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा है वही यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए ये वायरस चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर जाए और वहां पर अपनी पॉपुलेशन को, यानी अपनी जनसंख्या को बढ़ाए। इसलिए ये कोशिश करता है अपने रूप में बहुत तरह के बदलाव लाने के लिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर रह सके। तो आपने देखा होगा कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो है 2020 की तुलना में 21 में वायरस ने अपने आप में बहुत सारे बदलाव किए हैं और ये बहुत ज़्यादा संक्रमित हो गया है। आज ही ये रिसर्च पब्लिश हुआ है कि ये पिछले साल की तुलना में ये जो वायरस है, जो स्पेशली हमारे देश में, भारत में फैला है, ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस यानी संक्रामक है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर संक्रमण इस वजह से फैल रहा है। अच्छा, ये अपने रूप में बदलाव क्यों कर रहा है? जितना ज़्यादा ये फैलेगा उतना ज़्यादा ये बदलता जाएगा। तो इसके फैलने को हमें रोकना है और इसके लिए क्या करना है ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो वायरस के बारे में इतना ही। अब वैक्सीन जिसे हम हिंदी में टीका कहते हैं, मराठी में कहते हैं लस। तो ये क्यों बहुत ज़रूरी है, क्यों हमें वैक्सीन लगवाना है, इसके बारे में भी आप बहुत कुछ जानते होंगे। लेकिन शुरुआत में आपने देखा कि जब जनवरी में वैक्सीन लगना शुरू हुए थे तो काफ़ी लोग घबरा रहे थे कि ये वैक्सीन बहुत जल्दी में बना है, हम इसे लगाएं या नहीं लगवाएं, या डर रहे थे कि इसके जो रिएक्शंस होंगे उससे कहीं मौत तो नहीं हो जाएगी। तो देखिए, इंडिया में 2 वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड जो है ये एस्ट्रोजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने मिलकर के बनाया है, और जो आपका कोवैक्सीन है ये भारत बायोटेक ने बनाया है। तो भारत में बनी कोवैक्सीन की बात करें तो भारत बायोटेक ने ये दावा किया है कि कोवैक्सीन लगाने से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे वो पूरा के पूरा मुआवजा देंगे। तो दोस्तों, हमें हमारी भारत में बनी कोवैक्सीन पर पूरा भरोसा करना चाहिए और बिल्कुल वैक्सीन का प्रयोग करना चाहिए। अब वैक्सीन क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, उनसे मैं पूछती हूँ कि भाई वैक्सीन में होता क्या है, कैसे ये बीमारियों से लड़ने की हमें क्षमता देता है। तो कोई कहता है कि इसमें दवा है, कोई कहता है इसमें कोई ड्रग है, कोई कहता है इसमें एंटीबायोटिक है। तो लेकिन दोस्तों, ये तीनों ही चीज़ें वैक्सीन में नहीं होती है, ठीक। अगर जो थोड़े पुराने लोग हैं 60-65 से ऊपर जो लोग मुझे सुन रहे हैं तो वो जानते होंगे कि 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था उसमें हम हार गए थे। क्या आप बता सकते हैं हम क्यों हार गए थे? क्योंकि हम तैयार नहीं थे। यही के यही होता है हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र के साथ। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम और वैक्सीन दोनों साथ साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, या हम कहें कि सारा जो काम है वो तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही कर रहा है। तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है हमें उसे तैयार करना है लड़ने के लिए। जब हम तैयार होते हैं, जब हमें पता होता है कि हमारा दुश्मन कौन है और उसे कैसे लड़ना है, तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वैक्सीन के अंदर क्या है? वैक्सीन में एक्चुअली जो कोवैक्सीन है उसमें वायरस को इनएक्टिवेट करके, किल करके डाला गया है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको अच्छे से पहचान ले और उसके लिए अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी कर ले कि ताकि जब वातावरण से नेचुरली वायरस आए तो हमारा सिस्टम तैयार रहे उस पर अटैक करने के लिए, इससे पहले कि वो हम पर अटैक करें या हमारे सिस्टम पर अटैक करें। तो सबसे पहली बात कि इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए या हमारा इम्यून सिस्टम की तैयारी के लिए वैक्सीन का लगवाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब इससे पहले इम्यून सिस्टम की हम बात ही कर रहे हैं तो मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि इम्यून सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है न्यूट्रिशन और दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, इन दो चीज़ों से आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर सकते हैं। दोस्तों, होपफुली मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है आपको इसको समझाने की। अगर आपके दिल में, दिमाग में कोई भी क्वेरी इन तीन चीज़ों से रिलेटेड आती है, या वैक्सीन कैसे काम करता है या हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि बहुत सारे लोगों को फीवर आ रहा है वैक्सीनेशन के बाद, कुछ लोगों को बिल्कुल फीवर नहीं आ रहा है, तो क्या ऐसा है कि जिनको फीवर आ रहा है उनका इम्यून सिस्टम एक्टिव है और उसमें वैक्सीन काम कर रही है, या जिन लोगों को फीवर नहीं आ रहा है उनमें इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हुआ या वैक्सीन उनकी वेस्ट हो गई? तो दोस्तों, अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं कि जिनको फीवर आया है उनमें भी वैक्सीन उतनी ही इफेक्टिव है, जिनको फीवर या मसल पेन या ऐसी कोई रिएक्शन नहीं हुई उनमें भी उतनी ही एक्टिव है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? किसी को फीवर आया, किसी को फीवर नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? इस पे अभी भी रिसर्च जारी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जैसे एज है, जेंडर है, किस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, दूसरा आपके अंदर क्या कोई एलर्जी या पहले से कोई डिसीज तो प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी रिसर्च चल रही है, उसी के बाद इसका जवाब हमें मिल पाएगा। इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।